Hi everyone. Hi everyone, how are you all? All well, how are you, sir? I hope you all are doing great. I just need a moment. मैं सबसे शेयर कर लूं सो आई कैन स्टार्ट इट विद द ऑल ऑफ अस. प्लीज मेंशन इन द कमेंट अगर मैं क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल हूं तो. Hi Mahima ji, how are you? Please let me know into the comment easily. Am I visible and audible clearly? I mean the background is, the platform is visible or not and am I clearly audible or not? Please mujhe ek cheez bata dijiye so I can clearly start it. Yes, yes. Okay, great. Thank you Mahima ji. Just ek minute dijiye, main screen pe aati hoon. ओके ग्रेट. सो आज की रेसिपी इज वेरी एक्साइटिंग. आई होप मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी बिकॉज लास्ट टाइम मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर नहीं कर पाई थी. सो इस बार मैंने इंग्रेडिएंट्स पहले ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं और आज की आई थिंक इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू नो सबसे डिमांडिंग रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जो सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में. ओके हाय एवरीवन, आई होप आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल नाउ एंड वेलकमिंग यू ऑल ऑन द अमूल स्टेज फॉर दिस अमेजिंग लाइव. एंड यस, आज की रेसिपी इज मोस्ट डिमांडिंग. लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ. आई एम पीहू राजमलानी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र एंड टूडे वी आर मेकिंग मिनी केक, अ बेंटो और अ लंच बॉक्स केक. ये सारे नाम है वो केक के एंड ये केक में आई डिफाइन यू सारी मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं एक्चुअली और हाउ मच इजी इट इज टू लर्न. एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस इज एवरीथिंग इन टू द केक जो आपको परफेक्शन देती है. सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट. दिस टाइम इन मोमेंट आई जॉइन फ्रॉम द अनदर डिवाइस इज वेल सो इट विल बी इजी टू रीड योर कमेंट्स. सो आज जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स हैं. आज रिप्लेसमेंट की बात करेंगे वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी में. क्या मिस्टेक्स हम लोग एक्चुअली करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए बाई मेकिंग अ स्पॉन्ज इन द परफेक्ट वे. सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट. ग्रेट, फाइनली आई एम एबल टू सी दिस.
ओके सो आज की जो रेसिपी है बहुत इजी है. सबसे पहले तो बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स है जो अवेलेबल हो सकते हैं एंड आप लोग क्रिएट कर सकते हैं. हाउ यू कैन बेक इट ऑन द गैस, हाउ यू कैन बेक इट ऑन द ओटीजी, मैं दोनों चीजें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस विद द हमारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एंड लिक्विड इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले प्रिपेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए मैं उसका भी रीजन आप लोगों से शेयर करती हूँ. सो लिक्विड इंग्रेडिएंट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी अमूल मस्ती, विच इज अ कर्ड. एंड मैं इसे ओपन कर रही हूँ. एंड यहाँ पे सारी क्वांटिटीज वैसे तो मेंशन कर दी हैं, बट स्टिल आई रिपीट. यहाँ पे हाफ कप मेंशन है. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइज के सिर्फ कप्स यूज करने वाली हूँ आज. मैं पूरा सेट ऑफ कप नहीं यूज करने वाली हूँ. इट विल शो यू मोर इजी वे कि आप लोग कैसे ग्राम वाइज चीजें ले सकते हैं, हाउ यू कैन डू द थिंग्स. तो यहाँ पे मैं 1/4 कप यूज कर रही हूँ. 1/4 कप जिसमें मैं कर्ड ले रही हूँ. क्वांटिटी इज हाफ कप. एंड हाउ यू विल डिवाइड हाफ कप, 1/4 प्लस 1/4 इज अ हाफ कप. तो मैं डायरेक्टली 1/4 अब यूज करने वाली हूँ मेरे पूरे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के लिए. एंड कैसे एक कप से मेजरमेंट्स हो सकते हैं आज हम लोग वो भी सीख ही लेंगे. आफ्टर दिस आई हैव स्पैचुला ओवर हियर. मैं सारी कर्ड अच्छे से रिमूव कर लूंगी. अब कई लोग बोलते हैं कि कर्ड जितना यूज किया है उतना ही करना चाहिए बटर, बट दिस इज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. एवरी रेसिपी हैव ओन नेचर. सारी रेसिपीज अपने नेचर के हिसाब से होती है. हर रेसिपी में हर इंग्रेडिएंट एक ना एक लेवल पे होता है विच हेल्प अस टू गेट अ परफेक्ट रेसिपी. सो आफ्टर दिस इसमें मैं एड ऑन करने वाली हूँ कंडेंस्ड मिल्क और अ मिठाई मेड ऑफ अन अमूल मिल्क. ओके यहाँ पे अमूल का मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क. अब ये स्वीटनेस के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हो. मेंशन है रेसिपी में है हमारा इसका क्वांटिटी इज 1/3 कप. व्हाट इज 1/3 कप, 1/3 कप वी हैव सेपरेटली बट दिस विल बी माय ड्राई इंग्रेडिएंट कप. तो मैं इसे नहीं यूज करके 1/4 को ही यूज करूंगी. हाउ 1/4 विल बी माय 1/3 कप. सबसे पहले मैं फर्स्ट 1/4 लूंगी. फर्स्ट 1/4 ले लिया. आई पोर इट. आफ्टर दिस मैं 1/4 का हाफ फिल करूंगी विच इज माई 1/3. हाफ फिल कर लिया एंड दिस विल बी माई 1/3 कप. अगेन मैं सारे वेट इंग्रीडियंट्स लिए यही कप यूज करूंगी. सो आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ इंग्रीडियंट विद माई स्पैचुला. स्पैचुला इज वे इम्पॉर्टेंट इन टू द बेकिंग. जब से ये मार्केट में बहुत फेमस हुआ है, जब से इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वे इम्पॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू ऑल आर यूजिंग दिस. मैं दोनों को सबसे पहले कंबाइन करूंगी. मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आज आप लोगों से, वनीला पाउडर. व्हाट इज वनीला पाउडर, आज का मेन इंग्रेडिएंट, जो न्यू इंग्रेडिएंट है बेसिकली, मैं वो इंट्रोड्यूस करूंगी. ये फॉर्म ऑफ पाउडर में ही आता है. दिस इज लाइक अ कॉर्नस्टार्च की जो कंसिस्टेंसी होती है वैसा ये पाउडर का फॉर्मेशन होता है. ये बेसिकली प्योर वनीला पाउडर है जो बेकिंग में कमर्शियल लेवल पे यूज होता है, अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस. बट मैं दोनों आज रेसिपी में यूज करने वाली हूँ ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक्चुअली वो यूज होता है. सो आफ्टर मिक्सिंग दिस आई यूज माई एक प्लेट देना. मैं यहाँ पे विस्क यूज करने वाली हूँ. अगर किसी का कमेंट रह जाए तो डोंट वरी, मैं आफ्टरवर्ड्स चीजें अच्छे से देखकर आप लोगों को रिवर्ट जरूर करूंगी. तो यहाँ पे बाय आई एम यूजिंग दिस विस्क. कर्ड का अपना टेक्सचर होता है और क्रिस्टल टेक्सचर जो लिक्विड फॉर्मेशन में होता है वो जब तक डिजोल्व नहीं होता कंडेंस मिल्क के साथ, तब तक इट्स इम्पोर्टेंट टू डू दिस ताकि जितने भी छोटे छोटे माइन्यूर पार्टिकल्स हैं हमारे कर्ड के बाइंडिंग के वो इजीली डिजोल्व हो जाए एंड वी कैन गेट द प्योर कंसिस्टेंसी एंड द लिक्विड कंसिस्टेंसी ऑफ द मिक्सचर. एंड
कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है। हाय प्रतिमा जी, हाय टू एवरीवन। सॉरी अगर कुछ कमेंट्स मिस हो जाए तो लेट मी नो इन टू द एंड। सो आफ्टर दिस दिस विल बी द फाइनल कंसिस्टेंसी आई विल शो। अब इसमें इन्वॉल्व होगा हमारा मेजर मॉइस्चर इंग्रेडिएंट विच इज अ बटर। मैंने यहाँ पे अमूल बटर ऑलरेडी मेल्ट करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टेड बटर यूज करना। क्वांटिटी में कितनी यूज कर रही हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। सो यहाँ पे आई हैव टेबल स्पून विद मी, सो आई एम यूजिंग यहाँ पे जस्ट 3 टेबल स्पून ऑफ बटर। ओके, बटर क्या होता है ना, अब हम लोगों से मिस्टेक सबसे बड़ी क्या होती है, बटर का फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैट लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बटर का, और हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड बटर में हम लोग कोई भी रिप्लेसमेंट्स डाल देते हैं। लाइक एवरी बटर इज गुड, नो डाउट। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बटर्स यूज होते हैं, अवेलेबल है, बट बटर का जो फैट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेस्ट फैट लेवल के लिए और क्वांटिटी कम यूज इसीलिए हो रही है बिकॉज आई एम यूजिंग अमूल बटर, इसका फैट लेवल ज्यादा है अदर देन द जो मार्केट में लोकल बटर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप और कोई लोकल बटर यूज करें, लोकल एज इन फैट लेवल कम, नॉट अ ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट, लोकल एज इन सिंपली अगर आप न्यूट्रीलाइट यूज करते हैं, न्यूट्रीलाइट का फैट लेवल कम है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बेकिंग में यूज करने के लिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिफर होती है। तो इसमें अगर आप और कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं तो गिव अ ट्राई कि आप 4 to 5 स्पून बटर एड ऑन कर सकें, बेकिंग टेम्परेचर टाइमिंग अलग जाएगा उसका। सो आफ्टर डिजॉल्विंग दिस, हाय पूजा, हाउ आर यू। रिजल्ट ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, मैम वनीला एसेंस तो यूज कर सकते हैं ना? ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, इट्स योर बेकिंग मैनर एंड बेकिंग वे जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग स्पून एंड इसमें मैं 1/4 टी स्पून जितना वनीला एक्सट्रैक्ट एड ऑन कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मेरे पूरे वेट इंग्रीडियंट्स रेडी हो गए हैं। ये सारे वेट इंग्रीडियंट्स रेडी हैं। इसके अलावा एक ही वेट इंग्रीडियंट है जो एंडिंग में जाएगा, दैट इज मिल्क। मैं यहाँ पे अमूल का फुल फैट मिल्क यूज कर रही हूँ, अमूल गोल्ड यूज कर रही हूँ। अब फुल फैट क्यों, मैं इसे वनीला स्पॉन्ज के बदले थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्पॉन्ज में एज ए लोफ केक बना रही हूँ रदर देन मेकिंग इट एज अ स्पॉन्ज। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दूंगी तो इट विल बिकम माय टी टाइम केक। दिस इज अ वेरी फ्लक्चुएटेड रेसिपी जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर है, मैं इसे सिर्फ ड्राई फ्रूट यूज करूंगी तो इट विल बिकम माय लोफ केक और टी टाइम केक। तो यहाँ पे मैं इसलिए फुल फैट अमूल का मिल्क यूज कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा जब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगेन फैट की बात करूँ तो फैट दो तरीके से हमें मिल रहा है, एक तो हमें मिल्क से मिल रहा है। मैं अमूल का अगर रेगुलर मिल्क यूज करती हूँ तो इसमें बटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगेन रेसिपी विल फ्लक्चुएट, यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बदले 4 टेबल स्पून होता एंड अमूल का मिल्क नॉर्मल वाला होता। तो ये सब चेंजेस आप लोग को ध्यान में रखने, इसलिए यूट्यूब वाली रेसिपीज क्यों प्रूव नहीं होती, मेनी ब्रांड मैटर्स, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपकी रेसिपीज फ्लक्चुएट होती हैं, सेम रिजल्ट हर बार नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स। सो आफ्टर डिजॉल्विंग दिस पार्ट, ये पूरा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रेडी है, आई विल कीप इट असाइड। ले रही हूँ मैं एक और बोल जिसमें मैं सिर्फ मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूंगी। अब मैं डायरेक्ट उसमें सीव कर सकती हूँ बट आई वांटेड कि सेपरेटली हो जाए, मुझे मैस ज्यादा नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली उसमें यूज करूंगी। बोल विल बी क्लीन तो ज्यादा यू नो यूटेंसिल्स भी यूटिलाइज नहीं होंगे। सो नाउ आई एम डूइंग ग्रेट पूजा, थैंक यू, हमारी रोजी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स यूज कर लिए। ड्राई में सबसे इम्पोर्टेंट 3 ही इंग्रेडिएंट्स है, 1 is ऑल पर्पज फ्लावर, 2nd इज बेकिंग पाउडर, 3rd इज बेकिंग सोडा। अब नाउ आई मेंशन यहाँ पे 3/4 कप, व्हाट इज 3/4 कप्स। सबसे पहले तो ये दिस इज अ 1/4, इसको अगर आप 3 टाइम्स लेते हो तो इट विल बिकम योर वो 3/4 कप जो बोलते हैं ना आप लोग,
तो दिस इज अ 3/4 कप. इसका 3 टाइम्स डिवाइड इट. मैथ्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं है बट बेकिंग में आई एम गुड. सो यहाँ पे 1/4 के 3 कप यूज होंगे और एल्स आपके 1/3 के 2 कप यूज होंगे. बिकॉज 1/4 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4 वन एंड 1/4 हाफ. डेढ़ कप हमारा 1/4 यूज होता है तो इट विल बिकम अ 1/3 कप. सो ये मैं 2 टाइम्स यूज करूंगी मीन्स इट विल बिकम अ माय 3 टाइम्स ऑफ दिस. सो बहुत इजी कैलकुलेशन है. देर इज नो रॉकेट साइंस इन टू द बेकिंग बट इट्स ऑल अबाउट रॉकेट साइंस इन टू बेकिंग. सो आई एम टेकिंग योर माई स्ट्रेनर. ओके आप लोग डायरेक्ट पैकेट से लेके नीचे प्लेट लगा के बहुत इजीली यू नो अब इसे प्रेस नहीं करना है. सिंपली जस्ट टैप इट विद द स्पून. इसके हैंडल पे टैप कर लीजिए एंड जस्ट कट इट डाउन. सो ये होती है परफेक्ट कंसिस्टेंसी. ना कि इसमें डाला एक्स्ट्रा प्रेस करते गए एंड यू आर गेटिंग दिस विल क्रिएट अ मोर स्पेस इन टू द कप एंड ये जो करेक्ट वे है दिस कैन डिफर योर रेसिपी. सो बेटर कॉम्प्रेस करने के बदले ऑलवेज पुट फ्लावर इन टू द कप and just tap on the your handle and just cut it down on the level. So here what we got. So one and the second cup. This is a 1/3 cup what I am using. And यहाँ पे again हमने cut कर लिया. मैं simply इसे कर रही हूँ. People use scraper or something. यू कैन यूज नो डाउट. सबका अपना अपना वे होता है बेकिंग करने का एंड चीजें यूज करने का. आफ्टर दिस ऑल पर्पज फ्लावर आई एम ऑन माई बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. बहुत सिंपल वे है यूज करने का. इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे बट इट्स अ वेरी कॉमन वे फॉर द लर्निंग दिस कि कौन सी चीज ज्यादा जाएगी. बेकिंग पाउडर हैव मोर बिगर स्पेलिंग सो इट विल गो मोर एंड बेकिंग सोडा हैव लेस स्पेलिंग सो इट विल गो लेस. सोडा रिएक्ट्स मोर इसलिए वो कम जाता है. पाउडर बैलेंस द स्पॉन्जीनेस ऑफ योर केक सो ये जाता है ज्यादा. ठीक है तो इतना ही फर्क है. इतना ही माइंड में रखना है. नो नीड टू गो अ लॉट ऑफ इनटू द मैथ. सो नाउ हियर आई हैव माय 1 टीस्पून बट मुझे हाफ ही डालना है. तो आई एम यूजिंग हाफ ऑफ दिस एंड पिंच ऑफ जाएगा मेरा सोडा बिकॉज रेसिपी मेरी हाफ इसकी बन रही है. वैसे ये 1 केजी के स्पॉन्ज की है. रेसिपी डबल कर लो. सारी चीजें डबल होंगी. कुछ भी डिफर नहीं होगा. सारी चीजें इसमें ये हैं एंड 1/3 में डाल रही हूँ मेरा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा ज्यादा जाएगा तो क्रैक्स ज्यादा जाएंगे तो मेक श्योर की क्वांटिटी रिप्लेस नहीं है. एंड लेट्स सी विट जस्ट तो सी ये जो लम्सेस हैं ये निकलने चाहिए. बस इतना ही फर्क है. तो सिंपली आई विल हैव माय 1 ऑफ स्पून एंड मैं जस्ट उसको प्रेस करके सेव कर दूंगी. ये जो है ना ये जो क्रिस्टल्स है छोटे छोटे ये आ जाते हैं बाद में तो बेटर की ये रखू. बेटर की आप लोग ये चीज ये मेथड प्रिफर करके देन यू आर गोइंग अहेड. सो नाउ आई विल 1 मोर टाइम मिक्स इट. ड्राई आप ज्यादा मिक्स करते हो फर्क नहीं पड़ता. बस दिस विल अश्योर इट कि आपका बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स है. नेचुरली ऑल पर्पज फ्लावर पूरे इसमें बहुत अच्छे से मिक्स होगा तो आपका जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है वो भी बहुत अच्छे से कंबाइन होगा. आफ्टर दिस मैं इसे बैचेस में डालूंगी. ऑलवेज जितनी भी रेसिपीज है एक्सेप्ट जब तक मेंशन नहीं है. ठीक है अब मैंने बताया कि हर रेसिपी का अपना साइंस है. I am making vanilla sponge and आज हम लोग एक छोटा सा मिनी केक डेकोरेशन रन कर रहे हैं तो आज पूरी मेथड में अबाउट केक तो आई एम डिजोल्विंग दैट. तो यहाँ पे हमेशा लिक्विड इंग्रीडियंट्स में ड्राई इंग्रीडियंट्स डालना अननेसेसरी जब तक मेंशन नहीं कि आपका ड्राई में लिक्विड जाएगा. सो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में बैटर में एड ऑन करूंगी मेरा ऑल पर्पज फ्लावर. फर्स्ट वन बहुत स्मूथली आपको मिक्स करना है. नो नीड टू बी इन रश. आफ्टर दिस पार्ट ओके मैं एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई. एज लाइफ में हैबिट नहीं है यूज करने की
अच्छा मैं एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई, विच इज माय वनीला पाउडर और हाफ टी स्पून. मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट ही मेंशन किया है. तो इट्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, या अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ वनीला पाउडर. सो मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से. ये सीविंग के टाइम पे जाना चाहिए था, बट यस आई एम मिक्सिंग नाउ. बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ. अगर आप लोगों को लगेगा कि ओवर मिक्स हो रहा है तो नहीं. एंड दिस कंसिस्टेंसी, ऑन दिस कंसिस्टेंसी आई विल स्टार्ट एडिंग माय मिल्क. यहाँ पे अगेन 1/4 कप ले लियो. 1/4 + 1/4 विल बी हाफ. यहाँ पे फर्स्ट 1/4 मैं एड ऑन करूंगी. ओके, सो इट कैन डिफर अगेन अकॉर्डिंग टू योर इंग्रेडिएंट कि मिल्क कितना जाएगा. अगर ऑल पर्पज फ्लावर की ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑल पर्पज की फ्लावर की आप ओपन ऑल पर्पज फ्लावर यूज करें, हो सकता है 2 से 3 स्पून आपका जो बैटर का कंसिस्टेंसी के हिसाब से है, आपका मिल्क थोड़ा सा ज्यादा जाए. सो सिंपली कट एंड फोल्ड मेथड, कट प्रेस फोल्ड, बस ये करना है. एंड सी, ये इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो इसे मिक्स करना कंपलसरी है. अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये बैटर ऑन टाइम ही ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगा, केक में वो टेक्सचर नहीं मिलेगा. तो फॉर दिस पर्पस रिमूव योर स्पैचुला, जस्ट क्रिएट अ स्पेस एंड यहाँ पे अगेन आपका विस्क यूज कर लीजिए. विस्क क्या करता है, विस्क आपके बैटर को मिक्स करता है बट नॉट इन अ लॉट ऑफ एयर इनकॉर्पोरेशन. बस इन दिस वे सी विद इन अ सेकेंड्स इट डिसॉल्व्स. सो सी कितना स्मूथ बैटर बना है. सी ये दिस इज अ रिबन कंसिस्टेंसी. रिबन कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो जाकर वापस डिसॉल्व हो जाए. That's it. This is a very easy recipe. Recipe यहाँ पे complete हो चुकी है. We are not doing ahead any of thing into this recipe, except mixing lot of dry fruits. As I'm converting it into the T10 cake. क्या बना रही हूँ? मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर vanilla sponge which can be converted into the T10 sponge. ये दोनों बनाते रहते हैं. T10 sponge as well. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करना था मुझे. बैटर रेडी हो गया, आपके सामने ही वो रिएक्ट करेगा, आपके सामने ही वो बनेगा. मैंने प्री प्रिपेयर करके रखा है, वो वाला हम लोग यूज करने वाले हैं. सो ये जो टिन है, दिस आई एम यूजिंग फॉर माय टी टाइम केक. बहुत प्यारा लगता है मुझे ये केक, मैंने जब से बनाना शुरू किया है तो बस मैं इसलिए टिन यूज कर रही हूँ. कोई भी टिन यूज हो सकता है. प्लेन बैटर डालना है अगर आप टी टाइम केक नहीं बना रहे, वनीला स्पॉन्ज बना रहे हैं. तो टी टाइम केक की कंसिस्टेंसी ज्यादा यू नो ब्रेडी होती है रदर देन द वनीला स्पॉन्ज, बट दिस स्पॉन्ज कैन वर्क फॉर बोथ रेसिपीज. नाइस वीडियो, थैंक यू पारुल शाह. सो यहाँ पे मैं बस बटर ग्रीस करी. अब बटर ज्यादा लिक्विड नहीं है तो मैं फ्रीजर में नहीं रखूंगी, ये मेरा टिन ऐसे ही सेट हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं एक्चुअली एसी ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे ठंडा है ऑलरेडी, तो ये इट कैन बी गेट सेटल. ये ऑलरेडी ठंडा है अपने टेम्परेचर से ज्यादा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसको रखने की. तो यहाँ पे अच्छे से ग्रीस कर लेना कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स, इम्पोर्टेंट है. ये थोड़ा सा ना अच्छे से ग्रीस करना, अगर ये मोल्ड यूज कर लो, इसमें डीमोल्डिंग में काफी प्रॉब्लम आता है. बट कोई भी हो, मैंने इसमें भी जो मैंने एक्चुअली प्रिपेयर किया है, मैंने ये केक ऑलरेडी प्रिपेयर किया है विद दिस रेसिपी. यू कैन सी दिस स्पॉन्जीनेस ऑफ दिस, और स्टिक भी नहीं हो रहा. बट मैंने इसमें भी मेरा बेकिंग पेपर या बेकिंग शीट नहीं यूज किया है, सेम ग्रीसिंग मेथड यूज की है. एंड जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है, इट्स माई एश्योरिटी बहुत इजिली केक रिमूव हो जाता है. तो नो नीड टू हसल विद दैट. यहाँ पे हर एक सा मैं बेकिंग पाउडर बोल रही, सॉरी ऑल पर्पज फ्लावर ले रही हूँ, जिसको मैं एज अ
कोटिंग यूज कर रही हूँ। एक्सेस ऑफ फ्लावर निकाल देना वरना बहुत अनइवन सी और बहुत यू नो एक अलग सी लेयर स्टार्ट हो जाती है आफ्टर बेकिंग इवन, तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाती, तो इसे ऑलवेज डस्ट इट आफ्टर डूइंग इट। आप डस्ट करने के बाद में सी इसमें से अब एक्स्ट्रा फ्लावर नहीं निकल रहा है, तो ये है हमारा मेन ग्रीस्ड टिन जो मैंने रेडी कर लिया है। इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे मेरे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, चॉप ड्राई फ्रूट्स एंड आलमंड एंड कैशू नट्स, एंड मैं अराउंड 3 टेबल स्पून इतना एड ऑन कर रही हूँ। मैंने आज जानबूझ के ना एक कपड़ा ले लूँ किचन के लिए, सो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल के नहीं रखे थे, उसका मेजर रीजन यही था कि आई डोंट वॉन्ट बहुत यू नो मैस अप करके या प्री प्रिपरेशन करके प्रिपेयर करें। माय मोटो वाज टू टेल यू कि बहुत इजी वे में और बहुत कम यूटेंसिल्स यूज किए हुए भी केक अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। आई एम सिंपली मिक्सिंग इट, ऑलवेज पुट नट्स इन टू द एंड, कोई भी रेसिपी हो इट विल नॉट सिंक डाउन। एक वो जो प्रॉब्लम आता है ना कि नट्स पूरे सिंक डाउन हो जाते हैं, नहीं होते हैं इसमें, सो व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट फोरिंग इट। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, मैं उसके लेवल पे पहले पोर कर लूंगी, एंड मैं बोल टर्न नहीं कर रही हूँ, मैं टिन टर्न कर रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये बहुत इक्वली पोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इट हेल्प्स टू बेक इवन केक्स। सो आफ्टर दिस मैं अगेन मिक्स करती जाऊंगी, अब मेरे को एक लेवल का बैटर चाहिए, तो दैट विल बी इजी टू डू। इसको टैप कर देंगे, यू कैन सी कितना इवन बेक इवन ये हुआ है। अभी से ही बेक करने डालते हैं जब तक हमारा लाइव कंप्लीट होगा, होपफुली ये बेक हो चुका होगा। मैं भी डीमोल्ड नहीं कर पाऊं बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आता मैं तब तक डीमोल्ड नहीं करूंगी, बट अगर ये रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। टाइमर बढ़ाना, सो लेट्स क्लीन इट अप। पहले तो अब हाँ, इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जाएगी हमारी व्हिपिंग क्रीम की। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैं एन नंबर ऑफ टाइम शेयर कर चुकी हूँ, रेसिपी एज इन वे ऑफ मेकिंग इट। मैं अभी अगेन रेडीमेड ही यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो, मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अमूल की नहीं मिली, अदरवाइज मैं अमूल की आप लोगों को दिखाती हाउ इज द टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 400 वोल्ट्स का बीटर, आप कोई भी बीटर यूज कर सकते हो, स्टैंड मिक्सर है तो एवरीवन नो कि स्टैंड मिक्सर में व्हिपिंग क्रीम कैसे बनती है। क्रीम दे दूँ से ओके तो अगेन आज जिन लोगों को प्रॉब्लम है व्हिपिंग क्रीम बनाने में, गो ऑन इंस्टाग्राम एंड माय यूट्यूब चैनल पीकू राजमानी के नाम से ही है, वहां पे आप चेकआउट कर सकती हो, कोई भी दे तो वहां पे आप चेकआउट कर सकती हो कि आप कौन से इस पे लाइक कैसे बना सकते हो, वहां पे पूरी डिटेल्स मेंशन है। 2 रील्स अवेलेबल है हाउ टू मेक परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम, सो गो एंड चेकआउट देर। आज भी मैं यहाँ पे पूरा रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम नॉट मेजरिंग इट एट ऑल, मेरे को आइडिया है कि कितनी क्रीम यूज होगी, और एक्स्ट्रा भी होगी तो मेरा रेगुलर यूटिलाइजेशन है, रेगुलरली कंजम्पशन है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं जाती। बट इफ यू आर नॉट अवेयर कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए, अगेन गो एंड चेकआउट यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको इसके रिलेटेड भी रील मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज व्हाइट गोल्ड है, गोल्ड का बहुत प्रीमियम टेस्ट आता है, तो मेरे यहाँ पे मोस्ट ऑफ गोल्ड यूज होती है, तो गोल्ड बहुत अच्छा प्रीमियम टेस्ट देता है, तो यू कैन गो अहेड। ये 250 रुपीज की एमआरपी पे आती है, बट अगेन एवरी व्हिपिंग क्रीम हैव लेस रेट्स देन द एमआरपी, सो गो एंड चेकआउट इन टू योर मार्केट, जो भी अवेलेबल है यूज इट। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिंगल स्पीड नथिंग। अगर 3 स्पीड बीटर है, तीनों स्पीड पे बीट होगी,
5 स्टिक बिटर है, 5 ऑल्टरनेट में होगी, लाइक फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ऑल ऑड नंबर्स विल बी यूज इन टू दिस. सो फर्स्ट नॉर्मल स्पीड पे जाएगा ये. सॉरी आई डिडंट प्लग इट. स्टार्ट हो गया है ये. जस्ट सेकंड चेंज. तो यहाँ पे ये बबल अप होना स्टार्ट हो गया है. बेसिकली जिसे डबल होना बोलते हैं, ये डबल हो चुका है. ये ऐसे बबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, इस लेवल पे इंक्रीज होगी स्पीड. अब यहाँ पे एसी ऑन है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा टेम्परेचर का, बट समर्स में ये बहुत ज्यादा होता है. अभी तो खैर विंटर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप ये चीज कर सकते हो. अब मैं सेकेंड स्पीड लूंगी. सेकेंड थ्री स्पीड है तो सेकेंड स्पीड, और फाइव है तो थर्ड स्पीड. फॉर्मेशन नहीं हो रही, बट यस लेट मी क्लियर यू गाइस कि ये फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट वन. दिस फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट वन, सो लेट मी गाइड यू. यस लेट मी गाइड यू कि करेक्ट फॉर्मेशन क्या होता है. ये जो फॉर्मेशन, दिस इज अ रिंग फॉर्मेशन जहां पे आप फुल स्पीड पे बीट करेंगे कंपल्सरी मिनिमम 2 मिनट्स के लिए. सो फुल स्पीड कर रही हूँ अभी. अंडरस्टैंड आप जब ये टर्न करते हो ना बीटर, जैसे मैं मिक्स कर रही थी, तो यू कैन सी ये जो पीक्स बन रही हैं, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस कम्स विद अ स्टिफ पीक्स. ठीक है, तो स्टिफ पीक्स का मैं एग्जांपल दिखाती हूँ. आई नीड अ मोमेंट. हम एक बार इसको और बीट करें. सो यू कैन सी इफ आई एम टर्निंग इट अराउंड, ये हल्का सा स्लाइड होगा बट आफ्टर 2 मिनट्स, इसे तुरंत स्लाइड नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द मेजर कंसिस्टेंसी. स्टिल मैं उसको एक बार स्क्रैप करूँ, कुछ अभी वॉश कर चुकी हूँ. तो इसको ये जो मैं इसको एक और बार स्क्रैप करूंगी, इसका मीन्स ये है जो बॉटम में कॉर्नर्स में मेरी व्हिपिंग क्रीम में जो बीट नहीं हुए वो मिक्स हो जाएगी और ये एक और बार बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम स्क्रैप करके मिक्स नहीं करते हैं. एंड बाद में जो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आता है दैट कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट. ये चीज के कारण ही वो इनकॉर्पोरेशन प्रॉब्लम आता है. इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि क्रीम मेल्ट होती है. टेम्परेचर ऑफकोर्स इज मैटर्स.
पे मैं स्क्रैप करूंगी सारे साइड्स. यू कैन सी हल्की सी लिक्विड क्रीम सामने आई है. सिमिलरली मैं बॉटम से मिक्स करूंगी. अब सी बीच की कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट बट आई एम डूइंग इट फ्रॉम द बॉटम. द कंसिस्टेंसी हैज बीन चेंज. अब ये स्टिफ पीक्स नहीं है, ये टर्न हो रही है. सो इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव टू डू सिंपली स्क्रैप इट डाउन. स्क्रैप कर लो बहुत अच्छे से. स्क्रैप योर स्पैचुला इनटू द साइड एंड इसे अच्छे से एक और बार फुल स्पीड पे बीट कर लो फॉर मोर हाफ मिनट. साइड में नहीं है, कुछ भी नहीं है. ऑल इज इवनली कंप्लीटेड. यू कैन सी. अब मैं इसको टर्न करके रखूंगी तो भी ये नीचे नहीं आएगी जब तक मैं इसको बहुत अच्छे से झटक नहीं दूंगी. ठीक है. सो दिस इज अ व्हिपिंग क्रीम विच वी डन. जस्ट आई नीड अ मोमेंट टू क्लियर इट अप द ऑल थिंग्स सो दैट मैं कम्प्लीटली कर सकूं. चलो ये देखिए. I need just space to work on the final cake. So बस मैं वही क्रिएट कर रही हूँ. अच्छा मैं एक सजेशन होगी मिठाई में बड़ा वाला लेना. एक तो ये हमेशा यूटिलाइज होता रहता है किचन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बड़े वाले में वो सेपरेट कैप भी आता है विच विल हेल्प यू टू स्टोर. बट स्टिल मैं इस पे वेरी बी जो क्लिंग क्लिंग या क्लिंग रैप आता है वो लगाकर रख सकती हूँ. इजी टू स्टोर है. तो यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस माई टेबल टर्न टेबल. देखो अब तो इतने हैक्स आ गए हैं कि विदाउट टर्न टेबल भी यू कैन गो अहेड. यू नो कोई टेंशन नहीं है. बट विल नॉट डू दैट. आज मैं इंडस्ट्रियल वे में डेकोर करनी है केक. थोड़ा सा मैंने सोचा कि स्पैचुला बहुत हो गया, बहुत बार वो पैलेट नाइफ यूज कर लिया. आज पहले टाइम की वजह यूज करूंगी मैं हमारी टिपिकल इंडस्ट्रियल मैथड विच इज अ मेटल स्टील स्केल जो आती है. दिस इज एक्चुअल स्टील स्केल. अब तो इसमें स्क्रैपर्स भी आते हैं. इसका रीजन बस ये है कि इसकी जो एमएम है थिकनेस है ये ज्यादा है देन द स्क्रैपर और आपका जो पैलेट नाइफ होता है उससे. तो ये थोड़ी स्टेबल है. पैलेट नाइफ थोड़ा फ्लक्चुएट होता है. इसको जब तक फ्लक्चुएट नहीं करो तब तक होती नहीं है. तो दिस इज वे हैंडल बिकॉज मैंने जब इंडस्ट्रियल वर्क किया है आई थिंक इट हैज बीन लाइक मैंने 2-3 मंथ्स इंडस्ट्री में वर्क किया है. अगेन आई एम शोइंग यू द रीमोल्डिंग एंड टेलिंग यू स्टोरी एज वेल. मैंने करीब लिटरली बहुत टाइम इंडस्ट्री में स्पेंड किया है. एंड इंडस्ट्री में से हम लोग ना पैलेट नाइफ अवॉइड नहीं करते हैं क्योंकि जो स्केल से स्पीड आती है हाथ में एंड हमारा स्केल से जितना वर्क फास्ट होता है उतना स्पेशल जो हमारा ये आता है पैलेट नाइफ उससे नहीं हो पाता. तो वी प्रिफर दिस. मुझे नाइफ दीजिए. सो अगेन वन किचन टॉवेल इज इम्पोर्टेंट टू हैव व्हाइल डेकोरेटिंग योर केक. एनी ऑफ विल वर्क. हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में रखो एंड हैव द एनी नाइफ. ब्रेड कटिंग नाइफ मेरा मतलब लाइक यूज करना इज नॉट नेसेसरी. आई विल जस्ट कट डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट और फील बट लेट्स डू इट इन टू द टू. सो दिस इज द स्पॉन्ज का टेक्सचर जो ये वाले रेसिपी का टेक्सचर है. यू कैन सी आई एम जस्ट प्रेसिंग इट डाउन बट कुछ भी क्रम आउट नहीं हो रहा है. इसलिए मैं टर्न कर रही हूँ. क्रम आउट नहीं हो रहा है, क्रैक नहीं हो रहा है. सो ये राइट वे है स्पॉन्ज को ट्रीट करने का, स्पॉन्ज बनाने का. फर्स्ट पार्ट विल बी हियर. मुझे एक मिनट दीजिए, मैं एक दो टूल्स लेकर आती हूँ. आई विल स्टार्ट विद द डेकोरेशन.
जस्ट मोर मिनट ओनली, मैं सारा सामान कलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज इट वॉज टफ टू मेक इट ऑन द टेबल. Yes, I am back. So now first quickly start करते हैं because we have to complete it. Cake decoration. After this all struggle, 5 मिनट का काम है. मैं बहुत lengthy method में बता दूँ, decoration, packing and everything, 5 मिनट का काम है. And without video, without live, it's just about 2 minutes, 3 minutes. But बहुत सारे tips and tricks होते हैं, हमें explain नहीं करना पड़ता behind the video और after the live. तो वो 2-4 मिनट में केक रेडी हो जाता है. ऐसे छोटे केक्स हो, 1 पाव के केक हो, 300 ग्राम्स की हो, 1/2 kg टाइम लेता है, 1 kg टाइम लेता है बिकॉज लेयरिंग, कटिंग एंड एवरीथिंग टेक टाइम्स. तो जल्दी में रहने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर बना रही हूँ. मेरे क्लाइंट को मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है. एक हैक बताती हूँ, स्पॉन्ज वनीला है, बहुत प्रीमियम फ्लेवर देना है. क्या कर सकते हो, सिंपली हैव योर क्रश, 1/2 टेबल स्पून जितना मिक्स कर दो वाटर में, क्योंकि जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो रेडीमेड फ्लेवर्स आते हैं. मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ, मालास का पाइनएप्पल, एंड इसको पानी में डिसॉल्व कर लो, पुट ऑन द स्पॉन्ज, इससे सोक कर. अब पीपल विल आस्क मी, मैम व्हाई आर यू नॉट डूइंग इन टू द ब्रश एंड बॉटल क्यों नहीं यूटिलाइज करो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं ये कस्टम वर्क कर रही हूँ. एंड प्रेस इट हल्का सा स्पून के साथ प्रेस कर लो. बॉटल में आप ये चीज नहीं कर सकते, आप स्क्रैपर से कर लो, जो भी चीज आप यूटिलाइज करो, प्रेस इट डाउन. द रीजन बिहाइंड इट कि क्रम्स अब बाहर नहीं आएंगे, क्रम्स विल नॉट डिस्टर्ब योर केक मेकिंग. मैं अब यहाँ पे मेरा ये यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ, क्रीम की लेयर जाएगी. After settling it down, I'll have crush. अब टॉप की लेयर पे आप सिर्फ फ्लेवर डाल सकते हो क्रीम के पहले, वो भी लेकिन क्रम बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो सोकिंग सबसे बेस्ट इसी से हो सकती है. तो पहले तो साइड्स लॉक कर लो एंड मिक्स इट. कभी भी ना फ्लेवर ऊपर डालकर मत छोड़, इससे ना केक स्लिप होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड जस्ट डू दिस कंटिन्यूसली. क्रीम मैं हमेशा ज्यादा डालती हूँ ऑन दिस लेवल, ताकि जो केक है वो फॉर्म हो जाए और जो लेवल मेरे को मेंटेन करना है वो आ सके. तो अगेन व्हाट आई विल डू दिस साइड्स. अब ये ऑलमोस्ट इक्वल है, आई विल अगेन स्क्रैप इट फ्रॉम द साइड्स, तो इट विल क्रिएट वॉल. एंड यहाँ पे मेरा जो केक है वो लेवल में लेयर होगा. एंड नाउ आई विल जस्ट टॉप पार्ट में डाउन करूंगी ताकि मेरे को प्लेन इवन चीज मिल सके, इवन बेस मिल सके. एंड दिस जस्ट दिस पार्ट फर्स्ट, ये जो गैप से ना साइड के क्रीम से फिल कर लो, तो इससे केक ना बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा. एंड क्रम कोटिंग जिसे बोलते हैं, व्हाई क्रम कोटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको क्या होता है ना, जो क्रम्स है वो पूरे केक को डिस्टर्ब करते हैं. इससे बेटर है कि आप एक कोट कर लो, जो क्रीम है वो क्रम्स सेटल कर लेगी. जब तक आप टॉप साइड एंड बाकी वर्क करोगे उससे ये इवन रहेगा, दिस स्टिफ रहेगा, ये इधर उधर मूव नहीं होगा, इसके कारण और क्रम्स नहीं निकलेंगे. एंड नाउ ऑन दिस पार्ट अगेन मैं फ्लेवर से सोक कर रही हूँ. थोड़ा सा प्रेस भी करूंगी. आफ्टर डूइंग दिस आई हैव फाइनल कंसिस्टेंसी ऑफ माय क्रीम. स्क्रैप कर लूंगी मिड में लेवल क्रीम. एंड नाउ टॉप मैं काफी अच्छे से क्रीम ले ली. एंड हम इंडस्ट्री में यही करते हैं, आप एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. जब वीडियो ऑन हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी प्रो हो, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट लेवल पे होती हैं. नाउ आई एम जस्ट मूव दिस क्रीम साइड में, आई नॉट स्क्रैप इट अलग से, मैं इसी को सेटल कर लूंगी साइड से. एंड नाउ आई स्टार्ट स्क्रैपिंग. अब मैं फर्स्ट फिनिशिंग दूंगी मेरे साइड्स को. यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल फिनिशिंग आती है साइड्स में विद दिस स्केल.
इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत अलग लेवल पे काम होता है, बट ये कुछ चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल से सीख कर अप्लाई करने में बहुत मजा आता है। एंड कुछ कुछ सिंपल हैक्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब मैं केक को पहले तो इवन यू नो स्ट्रक्चर दे रही हूँ, कैन सी बहुत अच्छा इवन स्ट्रक्चर है अभी भी, लेकिन केक की क्रीम की कटिंग होगी, एवरीथिंग होगी, एंड अगेन वी हैव टू डू द वॉल्स, बट ठीक है आप ये चीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट अब टॉप कटिंग होगी। टॉप कटिंग मैं कैसे करूंगी, मैं जस्ट इसको सेकंड आई स्पेस एंड डू दिस एंड कम आउट। यहाँ पे मुझे टॉप मिल गया। अच्छा ये जो केक है बैंडो केक्स में ना क्रीम कम जाती है, वॉल में एकदम ऐसे परफेक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें जितना कम क्रम दिखता है उतना ब्यूटीफुल टेक्सचर आता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप है इसका जो बॉक्स पैकिंग है। अच्छा ये दिस इज फॉर माय क्लाइंट, ओके ओके दिस इज फॉर माय क्लाइंट, सो ये केक तो ऑब्वियसली जाने वाला है। तो ये जो केक है ये केक की फिनिशिंग एज इट इज जाएगी जैसा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बिकॉज ये आपके सामने पैक भी होगा। सो यहाँ पे अगेन मैं इसकी साइड क्रीम जो है उसको लेवल कर लूंगी, एज ए सेट की साइड में अभी भी क्रीम जाएगी, एंड दिस विल बी द फाइनल फिनिशिंग ऑफ माय केक। मुझे अनइवन ना यू नो इसे मैसी डिजाइंस बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में एंड गूगल की लैंग्वेज में भी, एंड सिंपली स्क्रैप इट एज मेरा टॉप फिनिशिंग, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा ये डिजाइन में। तो मैं बस आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। एक और बार स्क्रैप करूंगी ताकि मुझे इवन बॉर्डर मिल जाए। अब मोस्ट ऑफ टाइम तो आई प्रिफर टू यू नो कीप इट मैसी विद द वॉल्स, ये जो वॉल का मैसी लुक आता है ना, आई शो यू वॉट, ये एक्चुअली ना इवन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनिका तो मुझे लगता है क्रीम एड ऑन होनी चाहिए, तो मैं वो कर रही हूँ। स्क्रैप कर लूंगी। अब मैं न्यूट्रल ग्लेज बना रही हूँ, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल ग्लेज बना रही हूँ। ये एक्चुअली ऑलरेडी डिजोल्व ग्लेज है जो मेरे पास है, ये 70% एंड 30% वाला ग्लेज है जो ड्रिपिंग के लिए, ड्रिपिंग के बदले इसमें यूज होता है फुल फिनिशिंग के लिए। तो इसमें व्हाट आई एम डूइंग, मैं थोड़ा सा ग्लेज ले रही हूँ एंड मैं एक्चुअल ग्लेज भी थोड़ा सा लूंगी। अब ये बड़ी पैकिंग है, इसमें छोटी पैकिंग आप ले सकते हो, दिस इज इंडस्ट्रियल पैकिंग ऑफ 1 kg। अब मैं 50% 30% व्हाट इज 70-30 वाला, 70% वाटर 30% ग्लेज होता है, यहाँ पे 50-50% जाएगा, 3 मैंने इतना इसमें ये ले लिया है और इतना ही मैं ग्लेज एड ऑन कर रही हूँ एंड मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। सॉरी बट स्पून काफी बड़ा है, मेरा जो ये है बहुत छोटा है, जो कंटेनर है बेसिकली वो छोटा है, तो मैं बैक ऑफ स्पून से मिक्स कर रही हूँ। एंड आफ्टर दिस पार्ट आई मिक्स वन मोर थिंग इन टू दिस विच इज माई फूड कलर। फूड कलर यहाँ पे लिक्विड यूज हो रहा है बिकॉज मुझे लगता है ग्लेज में लिक्विड कलर यूज किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं आता है, ग्लेज की ऑलरेडी कंसिस्टेंसी हम डिजोल्व करते हैं, चेंज करते हैं। बेसिकली मैं बहुत लाइट यू नो ये रखती हूँ, लाइट येलो रखती हूँ, ज्यादा डार्क येलो नहीं दे रही हूँ। एंड आई मिक्स इट अगेन। आफ्टर दिस मिक्सिंग कैन सी ये डिजोल्व हो गया है। After this mixing, I'll just pour it up. And after this pouring, I'll just clean my palette knife or my this is my palette knife actually. And मैं simply बस हल्का सा scrape it कर लूंगी, same with the side, same sides में yellow दे दूंगी मैं। And after this part, I'll just clean it again. मुझे कुछ भी चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा बस ग्लेज को सेटल कर लूंगी
मुझे बहुत लाइट टेक्सचर चाहिए इसका, मैं बस उसी लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मुझे उसे पिंक कलर लेना, अभी आपके ऊपर है आप इसको पिंक कलर से डेकोरेट करना चाहते हो, नॉर्मल कलर से जाने देना चाहते हो, आपके ऊपर व्हाइट बॉटल होगी छोटी सी पिंक कलर की। जस्ट अ सेकेंड, आई नीड फूड कलर, मैं वो लेकर आती। यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ, ट्विस्ट स्टार नोजल है जो मैं यूज कर रही हूँ, ये ट्विस्ट स्टार नोजल है जो मैं यूज कर रही हूँ। यू कैन यूज एनी नोजल, सारे नोजल से ये डिजाइन बन जाएगी। रैंडम कलर एड ऑन कर रही हूँ, मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ, रेड ऑरेंज, या ये तीन शेड्स भी बॉम, तीनों शेड्स जा सकते हैं। पिंक डायरेक्टली मैंने रैपर में लगा लिया जो पाइपिंग बैग है उसमें। नाउ आई एम हैविंग ग्रीन, सिंपली इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे बिग स्टार, स्मॉल स्टार, स्मॉल स्टार, अगेन यहाँ से बिग स्टार, स्मॉल स्टार, स्मॉल स्टार। सो हियर्स द सिंपलेस्ट डिजाइन ऑन द लंच बॉक्स केक। अब मैं एज ए स्क्रीन करके फिर पिक करूंगी केक। उसका रीजन बहुत सिंपल है, केक मैसी नहीं होता, एक्स्ट्रा पैलेट नाइफ पे क्रीम नहीं जाती, इसलिए सिंपल एज ए स्क्रीन कर लीजिए। अब एक ही पार्ट बाकी है मेरा, मेरे पास यहाँ पे एक बटर पेपर है, बटर पेपर की शीट है 12x12 की, जिस 12x12 इंचेस डिवाइड कर रही हूँ मीन 6, एंड इसमें से बनेंगे 4 बेस रैपर्स। यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट करके आई गेट द वन रैपर। ये है 6 इंच का केक बॉक्स जो आता है बेंटो केक बॉक्स, ये आप यूटिलाइज कर लेना, नॉर्मल केक बॉक्स में भी रख सकते हो, उसके लिए आप बेस यूज कर लेना। यहाँ पे मैं केक कट कर रही हूँ, picking the cake, keeping it on this, it's on my hand only, and after this part the biscuit, cleaning the table, clear cloth बहुत important है, messy लगता है कई लोगों को देखने में, but when you will realize कि cloth कितना important है, you will understand automatically कि why this mess happened, तो front ये रहेगा, and I'll just put it carefully into this. एंड हल्का सा कॉर्नर से होल्ड करके सेटल कर लूंगी, दैट्स इट, यू कैन सी ओवर हियर। जस्ट क्लीनर, क्योंकि बहुत चीजें फिर मैसी हो जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे कॉन्ग्रेचुलेशन का टॉपर जाएगा बाय माय ब्रांड, and so it is a colorful topper which I'll add very carefully and gently. मैंने 50-50% डिजाइन रखी है, so I'm just pressing it down.
थोड़ा सा टिल्ट करके लगाया व्हेन पीपल आर सीइंग सो इट विल बी विजिबल एक्चुअली. सो हियर इज द रिजल्ट ऑफ द डे. सिंपली आप इसको पैक कर सकते हो. ये डायरेक्टली ये जो दोनों बॉटम्स है इसमें जाते हैं, बट इसमें मेरे को कुछ चीजें करनी है लाइक ब्रांडिंग वाला पार्ट ऑफ माई ब्रांड जिनके लिए जा रहा है एंड जिनकी तरफ से मीन्स मेरी ब्रांड की तरफ से जा रहा है. सो बहुत चीजें इसमें होंगी एंड विल यूटिलाइज दिस फॉर सेलिंग. मैं वो केक चेक कर लेती हूँ, अगर वो रेडी हो गया था आई शो यू द प्रीव्यू ऑफ दैट केक एंड देन विल एंड द लाइक जस्ट आई नीड मोमेंट. तब तक आप इसको देखिए एंड एंजॉय. आई एम कमिंग इन अ मिनट. सॉरी गाइज, वो केक बेक होने का है, बट इफ यू वॉन्ट द अपडेट ऑफ दैट केक एंड कम्प्लीट लुक देखना, मैं डीमोल्डिंग का वीडियो एंड प्लस कम्प्लीट लुक का वीडियो एंड फोटोज अपलोड कर दूंगी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम. सो गो एंड चेक आउट बाय द नेम ऑफ पीहू राजमलानी एंड थैंक यू अमूल ब्रांड फॉर सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जो यहाँ पर है, जिन्होंने केक इंजॉय किया देखा एंड जिनके मैसेजेस मैंने मिस कर दिए, एक्सट्रीमली सॉरी. मैं सारे कमेंट्स रीड करके चेकआउट कर दूंगी एंड आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप इट हेल्प. जितनी टिप्स ट्रिक्स एंड सिंप्लिसिटी ये केक की हमने आज लर्न की, होप दिस विल हेल्प. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर. जल्दी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. एंड हियर इज द रिजल्ट of the day. Hope to see you soon. Bye bye.